तो ग्रेविटेशन में ये चैप्टर स्टार्ट है विद अ चैप्टर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो इसके अंदर ये स्टार्ट है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिंपल, दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, या दो मासेज हैं m1 m2। ये मासेज की शेप मैटर नहीं करती, ये लॉ पॉइंट मासेज के लिए वैलिड है। पॉइंट मास का मतलब, अगर आपने स्फेयर भी लिया है तो आपने उसका पॉइंट मास लेना है, सेंटर ऑफ मास ले लेना है। तो दो मासेज हैं और r डिस्टेंस अपार्ट हैं। मैं इसको पॉइंट मास इसलिए बोल रहा हूँ, आप ये लॉ ऐसे ही लगा सकते हैं कि एक आपने स्फेयर लिया, एक आपने डिस्क ली, और आप ये लॉ लगा रहे हो। नहीं, अट्रैक्ट करते हैं, लॉ उस पर भी लगता है, लेकिन लगाने का तरीका अलग है। तो इसलिए मैंने इसमें ये मेंशन किया, दीज मासेज आर पॉइंट मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ आर। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दो मासेज कभी भी रिपेल नहीं करते, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो भी अट्रैक्शन होगी, वो अट्रैक्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। ये लॉ है। कंबाइन करेंगे, कॉन्स्टेंट लगेगा जी। जी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है इस चैप्टर में, 6.67 × 10⁻¹¹। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला सबको क्लियर है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। इसमें न्यूटन लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर लिखना है, तो दो मासेज एम वन एम टू, इस एम वन ने एम टू को अट्रैक्ट किया, कितनी फोर्स है, F21। 21 का मतलब टू के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, वन ने लगाई। और एम टू ने एम वन को अट्रैक्ट किया, एम वन के ऊपर फोर्स लगी, किसने लगाई, टू ने लगाई। तो वन के ऊपर फोर्स टू ने लगाई, टू के ऊपर फोर्स वन ने लगाई। तो अगर मैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड पूछूं क्या होगा, F12 F21 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, तो आंसर इज जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू तो दोनों में सेम ही रहती है। पर अगर वेक्टर फॉर्म पूछे, वेक्टर का मतलब वैल्यू एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में क्या होगा, F12 वेक्टर। 12 वेक्टर का है, ये 12 वेक्टर है, 12 वेक्टर कहां पर है, राइट है। तो वैसे तो यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं, मैंने अपना डिफाइन कर लिया यूनिट वेक्टर, आर 12 कैप। 12 कैप का मतलब 1 से लेके 2 तक की डायरेक्शन, इसके ऊपर कैप लगा लिया, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, खुद डिफाइन कर लिया। 12 का मतलब 1 से लेके 2 तक डायरेक्शन शो कर रहा है, 21 का मतलब 2 से लेके 1 तक कर रहा है। अगर मैं F12 वेक्टर की बात करता हूं, इसकी डायरेक्शन राइट है, राइट का मतलब यूनिट वेक्टर क्या लगेगा, 1 से लेके 2 तक। तो इसके पीछे क्या लगा दिया, आर ऑफ 12। F21 वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम है, और यहां पर क्या लगेगा, आर ऑफ 21 कैप, आर ऑफ 21 कैप। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें, तो ये कैंसिल होगी टर्म्स, R12 R21 का मैग्नीट्यूड तो 1 ही है, सिर्फ डायरेक्शन का ही फर्क है नेगेटिव, तो कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, -1। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू -F21 वेक्टर। ये शो करता है कि न्यूटन का ग्रेविटेशन का लॉ इज इक्वल एंड ऑपोजिट। क्लियर है यहां तक? तो ये प्रूव हो गया इक्वल एंड ऑपोजिट।